मुंगेर के भगत सिंह चौक स्थित टीएच होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वर्ष 2017 से ऑडिट नहीं हुआ है। ऐसे में करोड़ों के गबन की आशंका जांच टीम द्वारा जताई गई है। दरअसल कुछ छात्रों और शिक्षकों द्वारा राज्यपाल को भेजे गए शिकायत के बाद बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की 3 सदस्यीय टीम होम्योपैथिक कॉलेज में जाँच के लिए पहुंची थी। जाँच टीम ने होम्योपैथिक कॉलेज में करोड़ों के गबन की आशंका जताई है, क्योंकि यहाँ वर्ष 2017 से ही ऑडिट नहीं हुआ। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर टी के देव के नेतृत्व में धनंजय कुमार सिंह और डॉक्टर धर्म सिंह ने जब होम्योपैथिक कॉलेज का जायजा लिया तो कई अनियमितता मिली। यही नहीं, होम्योपैथिक कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य अशोक कुमार मिश्रा टीम को कॉलेज का कैशबुक, चेकबुक, छात्रों की उपस्थिति पंजी सहित किसी भी प्रकार की पंजी उपलब्ध नहीं करा पाए। विद्यालय जांच हो रही है, ये 2017 के बाद इस महाविद्यालय का मान्यता नहीं मिला है और आज 5-6 साल हो गया है, 6 साल से मान्यता प्राप्त नहीं है ये। और ये बहुत सारा कंप्लेंट था टीचर का, स्टूडेंट्स का, लोकल लोगों का कंप्लेंट था। उसी कंप्लेंट पर विश्वविद्यालय जांच करने आई है। किस तरह कंप्लेंट था सर? कंप्लेंट था कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। टीचर कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमको सैलरी पेमेंट नहीं होती है, एक पैथोलॉजी बंद है, हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, ओपीडी आईपीडी बंद रहता है। लोकल पब्लिक कंप्लेन कर रहे हैं कि पहले आज से 10 साल पहले ओपीडी आईपीडी चलता था, आज ओपीडी आईपीडी बंद है। ये कंप्लेन, बहुत सारा कंप्लेन आया है, तो भाई चांसलर के द्वारा कमेटी बनाई गई और हम लोग आकर के इसका पूरा स्थल निरीक्षण। बहुत सारी फर्जी सर्टिफिकेट देने की भी बात यहाँ से आती है, बच्चे को फर्जी सर्टिफिकेट भी दिया जाता है यहाँ से, ये भी कंप्लेन आ रहा है, इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। किनके द्वारा ये फर्जी सर्टिफिकेट दिया जाता है? फर्जी दिया जाता है नहीं दिया जाता है इस पर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये अभी जांच का विषय है। पहले हम तो जांच करके इस बात, इस बिंदु पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं। जांच होगी उसके बाद पता चलेगा कि फर्जी है या नहीं है, इस बिंदु पर हम अभी नहीं बताएंगे। लेकिन स्थिति, कॉलेज की स्थिति जर्जर।